तो फिर हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी पड़ोस वाली भाभियों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से बना चुके हैं सेटिंग बनाओ गेम प्ले में। तो भाई लोग, जिंदगी में सेटिंग बनती नहीं और तुम्हारा कॉन्करर होता नहीं। अब भाई देखो, अभी आपका कौन सा टायर चल रहा है कमेंट करके जरूर बताना अपना। तो यहाँ पर #2 रैंक चल रहा है फिलहाल। अब भाई #1 भी होता है कभी, #2 भी होता है, वो भाई लोग चलता रहता है। देन भाई सिंपल सा बात की जाए इस गेम प्ले की, तो भाई लोग अब इस वाली पोजिशन पर आ जाते, तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखता है। और बस यहाँ पर देखो, अब भाई लोग जैसे इस बंदे को मैं नॉक फिनिश देता हूँ, तभी एक और स्क्वाड आता है और मेरे टीममेट पे कर देता है पुश। देन यहाँ पर देखो, इसी के साथ भाई इस बंदे को तो यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ। देन भाई अब बारी थी दूसरे बंदे की, उस बंदे को तो सिंपल सा मेरा टीममेट ही ठिला देता है और लॉबी भी भेज देता है। अब भाई दोनों को मारने के बाद में सिंपल सा मेरे को सामने एक और बंदा दिख जाता है, तो सिंपल सा उसको थोड़ा बहुत मैं लेट करता हूँ। लेकिन बात कीजिए आज की तारीख में कितने स्टार पर कॉन्करर का टाइटल मिलेगा, तो भाई लोग देखो 5100 से ज़्यादा यहाँ पर आज की तारीख में आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे। सिंपल सा अगर आपकी रैंक 300 तक आती है 12 बजे तक, तो आराम से आपको कॉन्करर का टाइटल मिल जाएगा। भाई जितने भी पॉइंट लगे, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि रात को 12 या 2 बजे तक अगर 300 तक रैंक रहती है, फिलहाल अभी इस सीज़न में ना कुछ दिनों तक अगर 300 तक रैंक रहेगी ना 12 बजे तक या फिर 2 बजे तक, 100% आपको कॉन्करर का टाइटल देखने को मिल जाएगा। देन भाई देखो सिंपल सा प्लस मिल रहा है, अच्छा खासा प्लस मिल रहा है। देन यहाँ पर अपने जो पॉइंट हो चुके वो 5600 पॉइंट के आसपास में हो चुके हैं, 5600 पॉइंट के आसपास। देन भाई बहुत ज़्यादा पॉइंट के आसपास में अपन आ चुके हैं। अरे भाई देखो, मेरे को लगता है कि अब आगे का मेरे को पेड़ पुश भाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए फिर से। भाई जो भी अपना हैशटैग मेंटेन कर लेते हैं उसको मेरे को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पता मैं डीपी नहीं उठाता, कभी डीपी नहीं उठाता इसलिए। बाकी भाई बात रही अभी तक हैकरों की, तो भाई देखो अभी नॉर्मल मोड में तो हैकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इवेंट वाले में इतना नहीं आ रहे। लेकिन लीडर बोर्ड में तो बस एक ही चल रहा है, ज़्यादातर बंदे हैकरों के साथ पोस्ट करते हैं, उनसे खुद के से तो भाई औकात नहीं है कोल्ड करने की भी। साला हैकर के साथ कर करके भाई टॉप 100 करते हैं, तो भाई उनके लिए तो क्या ही बोलो भाई। ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो, साला इतना तो मत गिर जाओ कि अपने मम्मी पापा को इतना गाली खिलवाओ। हर कोई आपको गाली देता है अगर आप हैकर के साथ पोस्ट करते हो तो। बाकी भाई इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ नहीं बोलना। तभी अब भाई ये वाला लेम्बो वाला बंदा आ जाता है, देन इसको भी इजी तरीके से मार देते हैं और यहाँ पर अपन काफ़ी देर तक होल्ड भी करते हैं। अब सिंपल सा यहाँ पर मैं एमओ ड्रॉप करता हूँ, देन यहाँ पर एक और रोटेशन आता है। तो भाई लोग कैसा लगा ये वाला कार स्प्रे, तो कमेंट करके सालों ने लाइक और सब्सक्राइब करके बताना है। तो इस बंदे को गधे से गोड़ी बना दिया और लॉबी भेज दिया। आप भाई देखो इसी के साथ यहाँ पर पाद मार के धोए धोए भी कर देते और इस वाली पोजीशन में हम काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं। आप भाई देखो आपके लिए थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक बता रहता हूँ, अगर आपको कॉन्क्रीट पोज करना है तो भाई अब भी बताता हूँ। नॉर्मल मोड मत खेलना, इवेंट वाले में अच्छा खासा प्लस मिल रहा है, इवेंट वाला खेलो बिकॉज माइनस बहुत ही कम होगा। और जितना हो सके ना आपको ज़्यादा खेलना है और रैंक आपको 2 या 12 बजे तक 300 तक ला लेनी है। इजी तरीके से आपको कॉन्क्रीट का टाइटल मिल जाएगा, कितने पॉइंट पर मिल रहा है वो भी बता दिया। बाकी भाई देखो अगर इवेंट वाले मोड में प्लस नहीं मिल रहा है ना, तो भाई देखो प्लस तभी मिलेगा जब आप किल करोगे, मतलब कि कम से कम आपको 4-5 किल करने, आराम से आपको एक अच्छा खासा प्लस देखने को मिलेगा अगर #2-3 पर भी आते हो तो। लेकिन कम से कम आपको अच्छे खासे किल करने और टॉप 10 निकालना है किसी भी हालत में, टॉप 5 कर लोगे तो एक नेक्स्ट लेवल प्लस मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मेरा टीममेट गधे से गोड़ी बन गया और अपन भी किसी से कम नहीं थे, अपन भी लॉबी आ जाते, फिर भी यहाँ पर अपन को एक अच्छा खासा प्लस मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर मेरे अच्छे खासे पॉइंट और एक अच्छा खासा प्लस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ।
देन भाई यहाँ पर अपन काफ़ी देर तक इस वाले गेम प्ले में होल्ड करते हैं स्क्वाड्स में। देन भाई क्या सीन होता है कि एक बंदा आता है सलमान खान और साला सीधा मेरे गाड़ियन स्क्वाड्स के ऊपर ही देख रहे हो साला, मतलब कि क्या करना चाहते हैं ये बंदे। तो भाई ये जिस स्टाइल से मतलब कि स्टाइल मारते हुए सलमान खान की स्टाइल से स्क्वाड्स में पुश किया ना, उसी स्टाइल से सीधा इसको किक करके लॉबी भेज दिया। तो भाई इसी के साथ अब देखो टोटल मिलाकर हम यहाँ पर ना कितने बंदे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा, एक बंदा छत पर है, दो बंदे और आते हैं ठीक है ना, वो आपस में फाइट करके मर जाते हैं। देन जो नीचे बंदे होते हैं उनके साथ सिंपल सा बात करते हैं, वो बंदा हमारे साथ टीम अप करता है बिकॉज वो एक अकेला बच जाता है। ये जो नीचे वाला बंदा है वो किसी और स्क्वाड को मार देता है, नीचे जो स्क्वाड होता है ना, तो उसके बाद में वो ये बंदा ऊपर आता है और सिंपल सा बात बात करता है। अब देखो नीचे फाइट चल रही है, फोन 0 FPS हो गया था, यहाँ पर मैं स्टन ग्रेनेड करता हूँ लेकिन उस बंदे ने ऑलरेडी कर दिया नीचे। देन सिंपल से यहाँ पर क्या सीन होता है कि बंदा ऑल पर हमसे बात करता है और भाई इस बंदे के साथ में जो ही लास्ट में सीन होता है भाई, इसको देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगा कि भाई इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या होता है वो तो आप आगे जरूर देखना। अब सिंपल से होल्ड करते हैं यहाँ पर, देन होल्ड करते बात बात भी कर रहे थे इस बंदे के साथ, तभी वो बंदा बोलता है नॉर्मली कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ ठीक है ना। हम उसको कसम वसम खिलाते हैं कि भाई टीमअप वीमो हमको नहीं करना, भाई डर लगता है बिकॉज बहुत सारे बंदे स्कैम करते हैं टीमअप के चक्कर में। जस्ट हमारा लास्ट गेम में स्कैम हो चुका था टीमअप के चक्कर में, देन मना कर देगा भाई मेरे को टीम अप नहीं करना, फिर भी बंदा जबरदस्ती आता है। अब भाई देखो फिर भी हम इसको मना कर रहे हैं ठीक है ना, फिर भी मना किए जा रहे हैं, फिर भी साला बंदा मान नहीं रहा है। अब भाई बंदा सिंपल से आ भी जाता है और बस यहाँ पर देखो, अब देखो बंदा ऊपर आ चुका है, अब इसको मना कर रहे हैं मार देंगे फिर भी आ रहा है और भाई इसको मारने। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको मार भी दिया होता अच्छा नहीं लगता भाई, देख रहे हो एक मासूम बंदे होते हैं उनके साथ भाई धोखा देना यार अच्छा नहीं लगता। फिर भाई मैं जाता हूँ एटलीस्ट एंड में बात कर लेता हूँ और टीम अप भी कर लेता हूँ। बंदे बोलते भाई टीम अप करते हो आप, तो भाई देखो मजबूरी होती है हमारी भी। अब देखो अब टीम अप करने ऐसा कोई बात करने आता है उनको मारना भी अच्छा नहीं लगता है। देन सिंपल सा यहाँ पर आता है, अब देखो इस बंदे को कैरी वेरी करते हैं और जोन भी नेक्स्ट कट चुका था इस वाले कंपाउंड में। देन यहाँ पर आते हैं, अब इस वाले कंपाउंड में काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं। अब भाई देखो हो सके तो अगर आपका अच्छा डिवाइस नहीं है तो एस होल्ड करो, बाकी सेंटर जाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जिनका भी एस हो चुका है वो तो आराम से कॉन्करर का डाटा लगा सकते हो, दिन का कम से कम मान के चलो 200 के आसपास में प्लस करना। बाकी भाई देखो नेक जोन कट चुका था, अब ये बंदा देखो सिंपल सा हम निकल गए लेकिन बंदा हमारे पीछे पीछे आ रहा है गाड़ी में बैठने के लिए, और यहाँ पर मैं गाड़ी में नहीं बैठा था बिकॉज यहाँ पर मैं खुद मर जाता। अगर मैं थोड़ा सा भी रोकता नहीं गाड़ी तो मेरी और मेरे टीममेट की हेल्थ देखो हम खुद मर जाते, बट वो बंदा यार जोन से ब्लीडेड होकर मर जाता और भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो भाई मर गया। देन सामने हमको एक बंदा दिखता है इसको तो मार देते हैं, लेकिन भाई अगला जोन पूरा का पूरा यासनिया का कट चुका था। अब भाई हमको अगले जोन में जाना था और अगला जोन बहुत ज़्यादा हमसे दूर था। देन सिंपल सा गाड़ी उठाते और सीधा दे देते सामने स्लैम। अब भाई देखो सामने इतने ज़्यादा बंदे, जितने भी अब बंदे बचे ना सारे के सारे ये दो बिल्डिंगों में, और ये जो सीमेंट्री होती है यहाँ पर हम आ जाते हैं। देन भाई यहाँ पर जो ही फाइट चलता है आपस में, मतलब कि सब मर जाते हैं, कुछ बंदे जोन के बाहर ही मरते हैं, अब कुछ बंदों को जोन के अंदर ही हम आने नहीं देते। देन बहुत देर तक यहाँ पर भी हमारा फाइट चलता है, लेकिन भाई देखो सिंपल सा यहाँ पर देखो ये जैसे यहाँ पर आता हूँ तभी मेरे को एक सामने बंदा दिख जाता है और बस यहाँ पर देखो आप। तो भाई इसी के साथ इस बंदे को तो यहाँ पर मैं नॉक और फिनिश भी दे देता हूँ। अब भाई यहाँ पर देखो एक बंदा मेन बिल्डिंग में था, दो हम थे, एक जस्ट उसके पास में था मेन बिल्डिंग के, और बाकी के बंदे जस्ट जो हमारी सामने वाली जो बिल्डिंग है छोटी वाली बिल्डिंग उसमें था। अब भाई यहाँ पर देखो जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन हो सबसे पहले आपको हिल बैटल को प्रीफर करना। हम भी यहाँ पे सोच लिए थे कि हिल बैटल करेंगे तो पाद मार के सामने धुएं धुएं कर दिए, लेकिन भाई अब भी बोल रहे हो जिनका एस टायर है ना भाई फिलहाल कम से कम 200 का प्लस भाई आराम से मिलता है, 200 का प्लस आराम से, 200 का प्लस लो और आराम से एंड तक आपको कॉन्करर का टाइटल मिलेगा। इस सीजन इतना पॉइंट हाई नहीं जाएंगे जितने पहले गए थे। देन यहाँ पर सिंपल सा पूरा का पूरा मैं हिल बैटल की तैयारी में था, तभी यहाँ पर अपने पे एक गंदा वाला स्प्रे आता है। अब इस बंदे ने मेरे को कैसे मारा मैं खुद नहीं समझ पाया, लेकिन बहुत गंदा मारा 1 HP। ये देख रहे भाई अगर बूस्टर नहीं होता तो 100% यहाँ पर मरता। अब ये बंदा कैसे मारा आई डोंट नो, लेकिन उस बंदे को मेरा टीममेट मार देता। देन जो दूसरा बंदा होता है मेन बिल्डिंग वाला वो मेरे टीममेट में पुश करता है लेकिन उसको भी यहाँ पर मार देता है, और इजी तरीके से इस गेम में भी चुकुंडिनर अपन को मिल जाता। देन इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।